ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान का सिर एक बार फिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। कैसे, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा। गाइस, नीरज चोपड़ा जिन्होंने हिंदुस्तान को जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया था, आज उन्होंने फिर से हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है, और वो भी दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल करके। जी हाँ गाइस, उन्होंने जेवलिन में एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनेडियन खिलाड़ी हैं, उनको नंबर वन रैंकिंग से पीछे हटाकर खुद नंबर वन का ताज अपने सिर पे सजा लिया है। कैसी लगी आगे स्वाद? और वो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नंबर वन पोजीशन अपने नाम की है। गाइस, नीरज चोपड़ा और उनके जज्बे के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं एक ऐसी चमत्कारी किताब जिसे अगर आपने आधा पढ़ा तो पागल हो जाओगे, और अगर पूरा पढ़ा तो या तो टपक जाओगे या महान बन जाओगे। और तो और, साल 1935 में सरकार ने इस खतरनाक किताब को बैन भी कर दिया था, लेकिन ऐसा क्यों और कौन सी है ये किताब, चलिए जानते हैं। इस किताब का नाम है नीलावंती। कहते हैं जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता है वो किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है और उसे वश में कर सकता है। इस ग्रंथ में भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में जानने की पूरी जानकारी दी गई है, और इसीलिए इसे एक आम इंसान के लिए वरदान माना जा सकता है। लेकिन इस ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा है, और वो ये है कि इस ग्रंथ को आधा पढ़कर छोड़ देने वाला पागल हो गया, और जिसने इसको पूरा पढ़ा उसकी मृत्यु हो गई। कई लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई, और जो जीवित बचे उन्होंने महान कार्य किए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु भी इसी ग्रंथ को पढ़ने से हुई थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो राम जाने। पर इतने खतरनाक किताब को क्या आप पढ़ना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।